जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहला प्रश्न आज का जो पहला प्रश्न है ढोकरा हस्तशिल्प का संबंध किस राज्य से है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी गुजरात ऑप्शन डी हरियाणा तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ से संबंध है ढोकरा हस्तशिल्प का और अगर स्टेट की जगह में जिला अगर देता है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से संबंध ये भी ध्यान रखिएगा कभी कभी ऑप्शन में जिला का नाम भी देता है बस्तर जिला से संबंध यह मोम की मधुमक्खी की मोम की मधुमक्खी की छत्ता की मोम से कलाकृतियां बनाई जाती है इस हस्तशिल्प हस्तशिल्प में ढोकरा हस्तशिल्प में चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन

मिस्र ऑप्शन डी इजराइल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र यानी कि इजिप्ट इजिप्ट के लिए वो चुने गए हैं इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं मिस्र को तो इजिप्ट के लिए चुने गए हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा है 2023 में 2023 गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल फतेह अल सीसी भारत आ चुके हैं भारत के मुख्य अतिथि रह चुके हैं 2023 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसका भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा चलिए और बने रहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई में ऑप्शन करने वाली पहली महिला कौन है ऑप्शन है मल्लिका सागर ऑप्शन बी ममता देसाई ऑप्शन सी प्रीति जेंटा ऑप्शन डी विशाखा पटेल तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लिका सागर मल्लिका सागर इसी साल जो आईपीएल 2024 होगा इसके लिए उन्होंने 19 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन में ऑक्शन करवाया इन्होंने मल्लिका सागर ने और मल्लिका सागर महाराष्ट्र की रहने वाली है इसके पहले इन्होंने कबड्डी लीग में और वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी ऑक्शन करवा चुकी हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजन संख्या कौन सा है ऑप्शन है सत्रह ऑप्शन बी सत्रह ऑप्शन सी सत्रह ऑप्शन डी सत्रह सो उनसठ प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्रह को हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं क्यों कहते हैं बारे में ये रामानुजन जी ने बताया था कि ये संख्या यूनिक संख्या है सत्रह सौ उनतीस जो यूनिक संख्या है इसे दो नंबरों के क्यूब के रूप में अलग अलग दो नंबरों के क्यूब के रूप में हम लोग लिख, लिख सकते हैं यानी कि एक पहला जो है वन का क्यूब प्लस टूल्व का क्यूब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वन सेवेंटी नाइन आएगा और एक और एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि दो अलग तो नाइन का क्यूब और प्लस टेन का क्यूब अगर करेंग करेंगे तो ये भी वन सेवेंटी नाइन ही आएगा तो इस तरह से दो तरीक़ों से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते सेवन ट्वेंटी नाइन को ये एक यूनिक नंबर है और ये नंबर कहाँ से आया था तो जी एच हार्डी है ये जी एच हार्डी ब्रिटिश के मैथमेटिशियन है तो एक बार रामानुजन जब बीमार हुए थे भारत में थे तो ये जी एच हार्डी ब्रिटिश से इनसे मिलने के लिए आए थे और इंडिया आने के बाद ये टैक्सी से हॉस्पिटल गए थे इनसे मिलने के लिए तो जिस टैक्सी से गए थे उस टैक्सी का नंबर था वन सेवन नाइन वन सेवन टू नाइन वन सेवन टू नाइन उस टैक्सी का नंबर था पेज ले लेते हैं वन सेवन टू नाइन टैक्सी का नंबर था जब उन्होंने बताया रामानुजन जी को कि मैं इस टैक्सी से आया उस टैक्सी का नंबर वन सेवन टू नाइन है थोड़ा अलग सा है पर बेकार सा है तो उन्होंने कहा नहीं ये यूनिक नंबर है उन्होंने तब ये बताया था कि ये दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्यूब के प्लस करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये टैक्सी का नंबर था ये भी ध्यान रखिएगा वन सेवन टू नाइन और दो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुल मैग्रोन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया ये भारत के दो के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे मैं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुल मैक्रोन आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक जय हिंद स्वस्थ रहें मस्त रहे धन्यवाद जय हिंद